जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो है कंप्यूटर का जो OSI मॉडल है जो हमारे नेटवर्किंग में होता है, जो लोग नेटवर्किंग करते होंगे उनके बाद वो इस बारे में जानते होंगे, उसके लिए वीडियो बहुत जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारा कंप्यूटर का OSI मॉडल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और इसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस और भी हम आपको आगे देने वाले हैं TCP/IP मॉडल से, इन सब से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको जैसे कंप्यूटर का OSI मॉडल आप जानते हैं कि इसमें 7 लेयर होते हैं, तो उन 7ों लेयर से जुड़े तथा OSI मॉडल से जुड़े जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी लेयर आर देयर इन OSI मॉडल। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो है OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, तो ये 7 लेयर जो है आपका बता देंगे कौन कौन सा होते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 7 लेयर होते हैं ये आपका पहल जो है 7 सही होगा, जो आपका 7 है ये क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका 2 दूसरा जो है आंसर सही होगा। उसके बाद से आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। जो राउटर होता है वो OSI के किस रेफरेंस मॉडल पे काम करता है। तो जो आपका होता है राउटर कभी भी जो है आपका काम करता है तो OSI मॉडल के जो है नेटवर्क लेयर होता है उस पर काम करता है, तो नेटवर्क पे ही जो है आपका राउटर हमेशा काम करता है। तो इसका जो होगा आपका सही आंसर होगा दूसरा OSI मॉडल का, या दूसरा नंबर सही होगा आपका राउटर, सेकेंड लेयर नेटवर्क लेयर। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दिया है ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ब्रिज जो है आपका OSI की किस मॉडल पे काम करता है, OSI की किस लेयर पे काम करता है, तो ये आपका होता है तीसरा। ये भी जो ब्रिज और जो है आपका राउटर है ये सब जो है आपके OSI के नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है आप देखेंगे, हाउ मैनी लेयर इन द TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल से पहले TCP/IP मॉडल बना था, और इसमें भी आपका पूछा जा सकता है उसी से रिलेटेड ये भी है कि TCP/IP मॉडल में जो है कितने लेयर होते हैं। तो इसमें जो है आपके 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। जो TCP/IP मॉडल इसमें 4 लेयर होते हैं, और OSI मॉडल है उसमें आपका जो है 7 लेयर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। किस जो है कौन सा OSI का मॉडल लेयर है जिसको एंड टू एंड लेयर भी हम कहते हैं। तो वो आपका है जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है इसको हम एंड टू एंड लेयर भी कहते हैं। तो आपका जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, जो आपका 5वां है उसका आंसर जो होगा 4 नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। अब 6वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। रिपीटर जो होता है वो OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करता है। तो आपका जो रिपीटर होता है वो फिजिकल होता है क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं। तो जो आपका वो रिपीटर है ये आपका काम करेगा फिजिकल मॉडल पे, फिजिकल लेयर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मैक एड्रेस इज एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ। ये कह रहा है कि जो मैक एड्रेस होता है वो किस लेयर का एग्जाम्पल है। तो मैक लेयर जो है आपका होता है डाटा लिंक लेयर का जो है आपका एग्जाम्पल होता है। डाटा लिंक लेयर पे जो है मैक एड्रेसिंग होती है, तो उसी को जो है ये इसलिए जो आपका मैक एड्रेस है आपका डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लेयर टू स्विच इज कॉल्ड। लेयर टू स्विच, लेयर टू पे कौन सा स्विच कॉल काम करता है, उसको कौन सा जो काम करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिज जो है वो आपका लेयर टू पे काम करता है, तो उसके लिए उसको मल्टी ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो ये आपका देख लेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है सबसे लास्ट लेयर होता है, तो इस पे जो है आपका FTP, SMTP, POP, HTTP और जितने भी आपका प्रोटोकॉल्स होते हैं सब इस पे आपके काम करते हैं। तो यहाँ आपका 5वां जो है विकल्प सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद से आपके यहाँ देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर।
कौन सा जो है प्रोटोकॉल है जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी और यूटीपी जो होता है, यही दो जो लेयर है आपके काम आते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा यूडीपी। अगला 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिस इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो आप यहाँ से देखें, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है आपका, यहाँ पर हमने बताया था कि टीसीपी और यूडीपी जो है आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, और ये जो टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, ये सभी जो हैं आपके, और जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं अधिकतर करके जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। बट ये जो टीसीपी और यूडीपी है, ये आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो इसलिए आपका 5वां सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, इन इन द ओएसआई मॉडल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ विच लेयर। जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है वो आपके किस लेयर पे काम करता है। तो वो आपका होता है सेशन लेयर। इसका जो है आपका दूसरा सही हो जाए, सेशन लेयर पे जो आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है। उसके बाद से आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया है, हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड ऑफ द ओएसआई रेफरेंस। ओएसआई को जो है किसने विकसित किया था। तो ओएसआई जो है आपका आईएसओ द्वारा बनाया गया जो है एक नेटवर्किंग के लिए एक जरिया है। तो इसके लिए आईएसओ इसको जो है बनाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, आईएसओ। आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इन एन ओएसआई मॉडल द फर्स्ट लेयर इज द लेयर। जो ओएसआई मॉडल होता है इसका फर्स्ट लेयर कौन सा होता है। इसमें कन्फ्यूजन अधिकतर करके बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है आपका सबसे जो फर्स्ट लेयर, यदि देखा जाए तो लिखने में कितने लोग लिख देते हैं ऊपर से एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट लेयर कहते हैं। बट जो है आपका सबसे जो लास्ट लेयर होता है वो फर्स्ट लेयर की तरह होता है, उसको फर्स्ट लेयर कहते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो है आपका वो फिजिकल लेयर होता है, और एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो आपका 7वां लेयर होता है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि एप्लीकेशन लेयर 7वां लेयर होता है और फिजिकल लेयर जो है आपका फर्स्ट लेयर होता है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल दैट इम्प्लॉयज एरर डिटेक्शन। किस जो ओएसआई के कौन सा मॉडल है जिसमें एरर चेकिंग होता है। तो आपका जो हम बता दें कि डाटा लिंक लेयर में जो है आपका एरर चेकिंग होता है। जब डाटा जाता है तो यहाँ पर एरर चेकिंग होता है। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। इस तरह की हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। TCPIP मॉडल से भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाने वाले हैं, और जो है अभी हम आपको इस OSI मॉडल से आपको अभी आगे भी क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।